दोस्तों आज के टाइम में अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की सजाएं सुनाई जाती है, पर आपको पता है प्राचीन और मध्य काल में इतनी भयंकर सजाएं सुनाई जाती थी जिनके बारे में सोचकर ही आप लोगों की रूह कांप जाएंगी। पुराने समय में कई लोगों को जिंदा क्रूस पर चढ़ा दिया जाता तो कभी जिंदा आदमी की चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। तो आइए आज उन्हीं में से कुछ कोपनाक सजाओं के बारे में जान लेते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नंबर 5, पीतल का बेल। इस बेल का इन्वेंशन 560 ईसा पूर्व ग्रीस की एक सिटी सिसिली में हुआ था, इसलिए इसे सिसिलियन बुल भी कहा जाता है। इसके अंदर सबसे खतरनाक और दर्दनाक सजाएं दी जाती थी, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। इस बेल के एक साइड में गेट होता है, उस गेट के सहारे अरबी को अंदर डाल के इस बेल के नीचे आग लगाई जाती है, और तब तक लगाई जाती है जब तक वह आदमी पूरी तरह से भुन ना जाए। फिर वह आदमी इसके अंदर ही तड़प तड़प के मरने लगता है। यह सजा इतनी खतरनाक और दर्दनाक थी कि इस सजा को देखने वाले व्यक्ति की भी रूह कांप जाती थी। आपको बता दूं, इस बेल में ऐसा सिस्टम लगाया हुआ था कि अंदर चीखने वाले आदमी की आवाज को बेल की आवाज में कन्वर्ट कर देता था। नंबर 4, चूहे का इस्तेमाल। आपको पता है प्राचीन काल में 15वीं सदी में रोम के शासक चूहों का भी इस्तेमाल सजा देने के लिए यूज किया करते थे, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। इस सजा में होता ऐसे था कि आरोपी को पकड़कर एक जगह पर लाया जाता था, फिर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे। उसके बाद आरोपी के पेट पर एक पिंजरा बांध दिया जाता और उस पिंजरे के अंदर भूखे चूहों को छोड़ दिया जाता था। फिर पिंजरे के एक साइड को आग की मदद से गर्म किया जाता था, और फिर पिंजरा एक साइड गर्म होने की वजह से चूहे सीधा आरोपी के पेट को नोच नोच के खाने लगते थे। फिर उस आरोपी की मौत कुछ घंटों बाद हो जाती थी। आप सोच कर ही समझ सकते हो कि यह सजा कितनी खतरनाक और दर्दनाक होगी। नंबर 3, उबलते हुए पानी की सजा। इसमें होता ऐसे था कि आरोपी को पकड़कर उबलते हुए पानी के सबसे बड़े बर्तन में डाल दिया जाता था। अगर वह आरोपी उस बर्तन से निकलने की कोशिश करता तो उसे डंडे के सहारे उसे फिर से डुबाया जाता था। कुछ देर बाद उसका मांस पूरी तरह से गल जाने के कारण उस आदमी की मौत हो जाती थी। इस सजा को दुनिया की सबसे भयानक सजाओं में भी गिना जाता है। यह सजा रोम में काफी ज्यादा यूज होती थी। नंबर 2, ब्लड ईगल पनिशमेंट। इस सजा को दुनिया की सबसे भयानक सजा भी मानी जाती है, क्योंकि इस सजा में इंसान की बॉडी को कस के बांध दिया जाता था ताकि वो इंसान थोड़ा सा भी हिल ना सके। उसके बाद सजा देने वाला व्यक्ति उस इंसान के कमर से लेकर कंधे तक उसका मांस काट लेता था, फिर उस इंसान की एक एक करके पिंजर की हड्डियों को रीढ़ की हड्डियों से कुल्हाड़ी की मदद से अलग कर दिया जाता। वो इंसान जिंदा तो रहता पर उसके बॉडी के अंदर के पार्ट साफ साफ दिखाई देने लगते थे। अगर वह इंसान बेहोश हो जाता तो उसके घाव पे नमक डाल के उस इंसान को होश में लाया जाता था, फिर उसके फेफड़े के हिस्सों को बाहर निकाल के उसकी बॉडी को रस्सियों की मदद से उसे ऊपर टांग दिया जाता था, और उसके मरने तक उसी हालत में उस आरोपी को छोड़कर चले जाते थे। नंबर 1, हाथी से कुचलना। इस सजा का उपयोग प्राचीन भारत और पूर्व एशिया के कुछ देशों में किया जाता था। इस सजा में सजा पाए जाने वाले व्यक्ति को एक जगह पर लाया जाता जहां बड़ी संख्या में लोग जमा होते थे, और इन हाथियों को भी लाया जाता। कुछ देर बाद इन हाथियों को आरोपी के ऊपर छोड़ दिया जाता, और वह हाथी आरोपी को कुचलकर मार डालते थे। यह हाथी प्रशिक्षित हाथी होते थे जो आरोपी को कुचलकर मार डालते थे। तो दोस्तों यह थी दुनिया की 5 सबसे खतरनाक और दर्दनाक सजाए। आपको इनमें से कौन सी सजा सबसे भयानक लगी कमेंट में जरूर से बताना, और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।